Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संजू बाबा यानी के संजय दत्त के बारे में. Well, friends, जब से हमें पता चला है उनके कैंसर के बारे में बहुत सारी खबरें रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं कि यहाँ वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, वो ये फिल्म की शूटिंग अब करेंगे, उनके साथ ये हो रहा है, स्टेज 4 कैंसर चल रहा है. अब क्या है क्या नहीं है ये गाइस सारा का सारा मीडिया ये अजम्पशन लगा के बैठा है. इतना तो है कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है एंड ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट. लेकिन आज के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा अबाउट हिज शूटिंग, अबाउट हिज ट्रीटमेंट, यूएस जाएंगे तो कब जाएंगे. तो आज का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिएगा. वेल फ्रेंड्स, अभी फिलहाल द फर्स्ट थिंग ऑन संजय दत्त प्रायोरिटी लिस्ट इज ऑब्वियसली ट्रीटमेंट, यानी कि सबसे पहले वो अपना इलाज करने वाले हैं एंड उनका इलाज शुरू भी हो चुका है. फिलहाल गाइज लीलावती एंड कोकिला बेन अस्पताल में वो अपनी जो बहन है यानी कि सिस्टर प्रिया दत्त के साथ कीमोथेरेपी सेशंस जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं. ओके गाइज, तो उनके ट्रीटमेंट इज अंडर वे. अब गाइज उनकी जो पहली प्रायोरिटी आफ्टर इस ट्रीटमेंट है वो है शमशेरा. क्योंकि शमशेरा लॉकडाउन के वजह से बहुत गंदा पोस्टपोन हो गई, फिल्म की बहुत कम शूटिंग बची थी, ऑलमोस्ट बस एक हफ्ते की शूटिंग बाकी थी उस फिल्म की. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के कारणवश उस फिल्म को शूट नहीं कर पाए. मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आज से 2-3 हफ्ते पहले उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी. रणबीर कपूर सेट्स पर गए थे, उन्होंने अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. संजय दत्त वो सपोज टू जॉइन द सेट्स, अनफॉर्चुनेटली उनको बीमारी डिटेक्ट हुई. उन्होंने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो काम से ब्रेक लेने वाले हैं, अभी फिलहाल वो शूटिंग नहीं करेंगे. शमशेरा इज अ स्टोरी ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की कहानी है. यहाँ पर किस तरह से एक डकॉइट ट्राइब रहता है एंड उनकी लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आजादी हासिल करने के लिए. यहाँ पर रणबीर कपूर विल प्ले अ डबल रोल इन दिस फिल्म. इसमें उनके डबल रोल होगा इस फिल्म में एंड संजय दत्त इस फिल्म के विलन होंगे. एक हफ्ते का पैचवर्क बचा था एंड गाइज संजय दत्त ने अपने पोर्शन शूट नहीं किए थे. वेल फ्रेंड्स, आई हैव बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू एंड ये सुन के जितने भी संजू बाबा के फैंस हैं, जितने भी फिल्मी प्रेमी हैं एंड जितने भी रणबीर कपूर के फैंस हैं काफी खुश हो जाएंगे. वेल फ्रेंड्स, संजय दत्त हु इज 61 ईयर्स ऑफ एज डिसाइडेड ऑन सैटरडे कि उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है एंड उन्होंने कॉन्टैक्ट किया आदित्य चोपड़ा को एंड गाइज दे स्टार्टेड शूटिंग फॉर शमशेरा. यस फ्रेंड्स, इट्स एक्सक्लूसिव न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, संजय दत्त हैज शॉट फॉर हिज रिमेनिंग पोर्शन ऑफ शमशेरा. यस, कीमोथेरेपी लेते लेते उनको अच्छा फील हुआ, उनको अच्छा महसूस हुआ, उन्होंने डिसाइड किया नहीं मैं अब अपनी जितनी भी फिल्में हैं उनकी शूटिंग्स फटाफट खत्म करूंगा एंड उसके बाद मेरा जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिसाइड करूंगा. वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर संजय दत्त सेट्स पे रिपोर्ट किए. यस फ्रेंड्स, मंडे को उन्होंने शूट कमेंट्स की शमशेरा की वायरस स्टूडियोज अंधेरी में. ही टुक एवरीवन बाय सरप्राइज, सब लोग सरप्राइज हो गए. ये सिर्फ इंटरनल कॉन्वर्सेशन थी. आदित्य चोपड़ा एंड द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी ऑन द सेट्स तैयार किए गए एंड मंडे ही रिपोर्टेड ऑन द सेट्स एंड उनकी काफी ज्यादा फोटोज अब आपको देखने मिलेगी सोशल मीडिया पर. ही वोर अ ब्लू शर्ट, काफी अच्छे थम्स अप दिए. वेल फ्रेंड्स, वो काफी एनर्जेटिक लग रहे थे, फुल ऑफ एनर्जी थे एंड लाइक द फाइटर ही इज. डायलॉग तो संजू में टाइगर है तो टाइगर रोर कर, ये जो बीमारी हुई है उनको वो एक फाइटर की तरह लड़ेंगे. उन्होंने अपने सीन्स फटाफट एक के बाद एक जितने भी एक्शन सीन्स से उन्होंने खत्म किए एंड ही रिपोर्टेड होम यस्टरडे. सो गाइज, संजय दत्त ने अपने शमशेरा का जो पोर्शन है उसको खत्म कर दिया है. अब गाइज बात करते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की. तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की संजय दत्त डबिंग ये वीक कमेंस करने वाले हैं. ही इज गोना स्टार्ट डबिंग फॉर दैट फिल्म एंड उसके बाद वो बैंगलोर कॉन्टैक्ट करेंगे KGF के मेकर्स के साथ एंड वो एक स्केड्यूल डिजाइन करेंगे एंड संजय दत्त विल फिनिश हिज KGF चैप्टर 2 शूटिंग बिफोर ही गोज फॉर ट्रीटमेंट. तोरबास का सब कुछ खत्म हो चुका है, डबिंग मिक्सिंग सब पिक्चर रेडी है. ऑनलाइन जब नेटफ्लिक्स अनाउंस करेगा और रिलीज हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट संजय दत्त हैज नो वर्क, वो अपना सारा काम खत्म कर देंगे. फिलहाल गाइस लीलावती एंड कोकिला बेन में उनके पूरे टेस्ट चल रहे हैं एंड वहां पर उनके कीमोथेरेपी सेशंस शुरू हो चुके हैं एंड प्रिया दत्त जो उनकी सिस्टर है वो उनको अकंपनी कर रही है. बट फ्रेंड्स, मेमोरियल स्लोन कैटिंग सेंटर एक बहुत ही बड़ा कैंसर सेंटर है एंड गाइस बहुत सारे नामचीन लोग वहां पर गए हैं ट्रीटमेंट के लिए एंड गाइस संजय दत्त दिसंबर के महीने में जब उनके जो दोनों जो लड़का लड़की है उनके साथ वो दिसंबर के महीने में USA को जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए. फ्रेंड्स, इन द मंथ ऑफ दिसंबर संजय दत्त अलॉन्ग विद वाइफ मान्यता एंड हिज सन एंड हिज डॉटर विल बी हेडिंग टू दिसंबर. उस समय इनके जो बच्चे हैं उनका स्कूल के वैकेशन होंगे, तब तक वो अपनी ट्रीटमेंट या मुंबई में शुरू रखेंगे एंड उसके बाद दिसंबर में वो US जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए. वेल फ्रेंड्स, कोई भी फिलहाल ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी टीम ना उनका PR कि वो कौन से स्टेज पे कैंसर पे है. Nobody is कमेंटिंग ऑन दिस. इतना है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी सेशंस. फिंगर्स क्रॉस, यदि संजय दत्त ने जिंदगी में
लड़कर यू नो आगे बढ़े, इसी तरह से वो बीमारी से भी लड़े, यही हम आशा उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल शमशेरा की शूटिंग उन्होंने पैचवर्क जो है वो रैप अप कर दिया है। ही विल डब फॉर भुज एंड ही विल प्लान द KGF शूटिंग। जैसे मुझे KGF और बाबा के बारे में कुछ पता चलता है आपको बताऊंगा। ओके गाइस, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एवरीवन प्लीज प्रे फॉर संजू बाबा एज ऑलवेज।